तो जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ घर पे। हालांकि बेबी मुझे बाहर ही मिल गई थी, उसके बाद इतनी तेज बारिश हो गई कि हम बाहर कुछ कर ही नहीं पाए, सीधा घर आ गए। और घर पे देखो आप जरा, कैसी साए साए हवा चल रही है। सन सन साए साए आवाज आ रही है ना, ये हवा की है। ये जरा अगर मैं खोल दूं ना इसको, थोड़ा सा भी देखना पूरी बवाल। अरे बाप रे बाप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और ये गर्मी नहीं, झूठ बोल रही मैं, गर्मी नहीं है, ठंडी ठार हवा चल रही है। 12 बजने वाले हैं। अविनाश सुबह से गया हुआ है घर पे, मेरे पास कुछ नहीं है करने को। क्योंकि बताती हूँ, क्योंकि मुझे अभी निकलना है अविनाश के ही काम करने के लिए। अविनाश के पेंडिंग काम है, वो नहीं कर पा रहा है अपनी राइटिंग की वजह से। वो सुबह सुबह चले जाता है बेचारा, तो उसके काम मेरी जिम्मेदारी बनती है। अब उसकी नारी होते हुए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसका हर कर्तव्य में साथ दूं, तो मेरा कर्तव्य है ये। तो ये साथ देते देते मुझे निकलना पड़ेगा अभी उसके काम खत्म करने के लिए। एक दो काम खत्म करने हैं, फिर बीच में डेफिनेटली मैं रुकूंगी अपनी कॉफी पीने के लिए। वहां पे अविनाश भी होगा, लेकिन हम दोनों नहीं मिलेंगे, क्योंकि अविनाश और लोगों के साथ होगा, और लोगों के साथ राइटिंग कर रहा होगा। मैं वहां पे बिल्कुल आपको दिखाऊंगी चुपके से वो राइटिंग कर रहा है, लेकिन मैं मिलूंगी नहीं उससे जाके। ठीक है, तो अभी आपको दोबारा मिलती हूँ। मेरी गुड्डी थी, एक गुड्डी गुड्डी भी सुनने लगे। अरे बहुत ज्यादा ही हवा है, देखो बहुत ज्यादा हवा है भाई, बहुत हवा है। जैसे ही बारिशों ने हल्का सा बोलबाला बोला है, वैसे ही हवा ने भी अपना रुख बदल लिया है। ये एक ये छोटी सी पूंछ करके कैसे बैठा है, हैं? और कोको भैया क्या कर रहे हैं? चलो उठो उठो, चलो गुड बॉय, आ जाओ छाले छोने आ जाओ। क्या करा था आज? अरे लिटरली, अच्छा मैंने आपको इसके बारे में बताया नहीं, आज इसने और ये कैंडी ने मिलके मेरे मुंह पे कूदी है सुबह सुबह। इतना जोश था कैंडी और इसको कि ये घूम के आती थी बिस्तर से और मेरे मुंह पे कूद के जा रही थी, और मैं सोचूं मेरे को ना सपना आ रहा है कि मेरे मुंह पे लग रही है। इसने तो हदें पार करी है, इस लड़की ने आज हदें पार करी है। इसके साथ आज कैंडी भी मिल गई, दोनों खेल लिए हैं बहुत, चलो अच्छी बात है वो तो। लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि मुझे उठ जाना चाहिए, उनकी गलती नहीं है। लेकिन मैं नहीं उठी, मैं अपना सोई रही, मैं सपना देख रही थी कि मुझे मार पड़ रही है, लेकिन मैं उठी नहीं। अब बच्चे तो देखो अपने खेल खिलौनों के साथ, उनको तो चाहिए ना। ये क्या है? तो मेरा ही क्लिप है, ये क्या कर रही है तू? हैं? चालू चालू सबको बताओ मम्मा का कितना प्यारा बेबी हो। चाय मम्मा का बहुत प्यारा बेबी है, आराम से यहाँ पे बैठोगी। अरे ये पहले मुझसे पहले अरे तुम कितनी गंदी बच्ची हो, आजा चारू। आजा मैं चारू बेबी इधर आ चेरी, है ना? तेरे भी नाटक नहीं खत्म होते, इधर आ, बुला रही हूँ तो। इतना घूम के आने की क्या जरूरत है, सीधा नहीं आ सकती? चल आजा। This is how I'm going to have my coffee. Chilled, relax, nice. बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं निकल रही हूँ, कोविड केसेस सुन रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाई राइज पे है मुंबई में, और हर जगह पे ही है लेकिन मुंबई में कुछ ज्यादा है, और दोबारा से मास्क का चलन स्टार्ट हो रहा है। और मैं आपको बता रही हूँ सीरियसली, व्हेन आई टॉक अबाउट मास्क ना, मेरे ऑलरेडी ब्रेथलेसनेस हो जाती है, मेरे को ऐसा लगता है सांस नहीं ले पा रही। इतने टाइम के बाद यू नो आपने मास्क उतारे हैं, और फिर से अभी हर जगह मास्क की जरूरत पड़ रही है। तो मैंने अभी मास्क रखा है, तो मुझे ये चीज याद आ रही है कि शिट यार, मास्क पर हर जगह जरूरी हो गए हैं। तो मतलब ये तो है तो हमारे ही बचाव के लिए, लेकिन क्या करें, मास्क लगाना इज वेरी, मतलब ऐसा लगता है नेक्स्ट टू यू नो किलिंग योरसेल्फ, बट क्या करें, यही बताना था। अब निकल रही हूँ मैं और आपको मिलती हूँ बाहर ही। हवा बहुत तेज है। अमिता सुन, अमिता दीदी यार कोई तो सुनो, ये बहुत बदमाशी कर रही है छोटी वाली, प्लीज ध्यान रखना इसका। ये ऊपर चढ़ चढ़ के गमलों के कहीं गिर गुरा गई, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बाहर को भी वहां को भी जा रही थी, अब मैं नहीं हूँ तो नहीं जाएगी वो, लेकिन ध्यान रखना, मतलब मैं होंगी तभी आएगी वहां पे तो। लेकिन यहाँ पे भी देख, थोड़ा सा ये बदमाशी के मूड में है, तो
इसको खेलना है, इसके खेल खिलौने दे दो ना इसको, दीदी खिलौने दे दो ना उसको खेलने दो। और हवा बहुत ज्यादा है तो देखो दरवाजे वगैरह, पता चला दरवाजों में आ गई, बंद कर लिया। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मेरे को गाड़ी कुछ दिन चलाना मना है, तो मैं ज्यादा प्रेफर कर रही हूँ कि मैं रिक्शा में ऐसे ट्रैवल करूँ, तो ये जो है ना ये मेरा दर्द करता है, तो अवॉइड कर सकते हो तो कर रही हूँ, और मेरे लिए थोड़ा सा ईजी भी रहेगा गाड़ी को पार्क करना, ये करना वो करना, दो तीन जगह अलग अलग जाना है तो गाड़ी भी पार्क होने में दिक्कत हो जाती है, तो इससे मैं थोड़ी एक दो दिन गाड़ी अवॉइड कर रही हूँ। जी मैं अपना काम खत्म करके यहाँ पे आ गई, और आके मालूम पड़ा कि अविनाश यहाँ पे है ही नहीं, कहीं और गया हुआ है। अब मैं अकेली बैठ के यहाँ पे कॉफी पी रही हूँ, हो सकता है वापस आ जाए, पता नहीं कहाँ गए। मालूम जी मैं घर पे आ गई हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था अविनाश तो मुझे मिला नहीं। अब ये वाले बैग जो लास्ट टाइम का बैग है, ये बैग है, ये मैं चेंज करके अपना दूसरा बैग लगाऊंगी, तो मतलब दूसरा बैग निकाल रही हूँ। तो ये भी बैग बेड के अंदर से बैग खोलेंगे, ये भी बैग सिर्फ वापस रखने पड़ेंगे ना अमिता, ये ऊपर से निकाले थे तो इसको ऊपर ही डाल देंगे ना। हाँ अंदर भी डाल सकते हैं जैसा भी मन करे। बारिश के लिए निकाला जाएगा कौन सा बैग? बारिश के लिए तो ऐसा वाला बैग ठीक होना चाहिए, पानी पड़ेगा तो भी नहीं। नहीं बैग तो चाहिए ना अमिता कुछ दिन के लिए, जरा पकड़ तो ये पकड़। अच्छा बाकी इसमें पैक है ना बैग्स तो। ओहो क्या करूँ, वैसे तो ऐसी कोई बारिश नहीं आ गई, ऐसी भी कोई बारिश नहीं हुई, तो कोई भी निकाल लो है ना। मेरा दिल है कि कुछ ये निकाल लो, बड़े दिन हो गए ये निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये सारे तो यार मेरे लेदर के बैग्स ना खराब हो जाएंगे। ये तो ऐसे ही एलवी के तो सारे, मेरी अच्छी कलेक्शन जो है सारी अच्छी तरह से ऐसे ही रखूंगी। ये निकाल लेते हैं बाकी का, इसका भी सामान जो है ना निकाल के सारा इसमें डाल लेते हैं। रुक चिंटा, दवाइयों के लिए मेरे को एक पाउच दे अमिता, अच्छा सा पाउच निकाल के। मेरे पास पाउच है तो मैं थैली में क्यों कैरी कर रही हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। हो गया ठीक है, हाँ इसमें कुछ नहीं होगा। हाँ इसको इसके अंदर ही रखते हैं, वो भी लिया, ये भी रख लेते हैं अंदर। इसका बैग पूरा ये खाली है ना। हाँ ये बाहर क्यों पड़ा हुआ था लेकिन, तो अकेले बेड उठाने के लिए भी तो इसीलिए बोल दी थी। वैसे तो सारा सामान तो सब सही है, लेकिन सिर्फ ये है कि इसको रखना है एक तरह से। ला अमिता मेरे को एक पाउच दे, यहाँ से निकालते हैं, पाउच निकालते हैं पाउच की जगह है, ज्यादा आ जाएंगे ना मेरे, कम आएंगी, आएगा ज्यादा ही। ऐसा तो नहीं है कि कम हो जाएंगी? नहीं ऐसा तो नहीं है कि एक और बड़ा वाला निकालूं पाउच, ऐसा तो सस्ता है बहुत। सस्ता है मतलब, सस्ता बोले तो बहुत ज्यादा है, कोई भी ले लो। ये बात मेरे को तेरी समझ नहीं आई, सस्ता है बोले तो बहुत ज्यादा है, सस्ता है बैग मतलब पाउच सस्ता है, कम नहीं है ज्यादा है। ये ठीक है, ये ले लो कि ये ले लो? नहीं ये वाला, ये ले ले। पता नहीं पाउचेस की मैं क्यों दीवानी हूँ, ये देखो मैं पाउचेस की इतनी दीवानी हूँ ना कि बस मेरा ना हाथ नहीं रुकता जब मैं ये लेने रखती हूँ। वैसे तो कुछ दिनों के लिए ये भी बैग लगा सकती हूँ, बैग की तरह यूज कर सकती हूँ, क्या भी नहीं करूंगी। ये देखो जरा मेरे पाउचेस देख लो अंदर तक के, इतने हैं कि मैं क्या ही बताऊं। सारी मेडिसिन इसमें करके मैं ना हर एक के लिए, मतलब मेडिसिन मैं सिर्फ अपने लिए नहीं रखती हूँ, किसी कोई जैसे किसी को मिले, साथ वाले को भी जरूरत पड़ जाए, अचानक तबीयत खराब हो जाए तो आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए, तो इसलिए मैं ना मेडिसिन अपने साथ रखती हूँ नॉर्मली। एक ना मेरे को वो भी दे दे, क्या कहते हैं अरे वो है ना अपने डाइजीन, वो बड़ा वाला डब्बा ला, ये चुन्ना आपके लिए तो कुछ भी नहीं है इसमें ना, आप जिस तरह से देख रही हो। मेरा ना क्या है, अगर मेरी चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से पड़ी हो ना तो मुझसे ज्यादा खुश व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है मेरी चीजें ऑर्गेनाइज हो। डाइजीन कहाँ है, जैसे मैंने ऑर्गेनाइज बोला डाइजीन गायब है। ये डाइजीन रख लेते हैं और बस आई थिंक इतना काफी है। ये भैया तो भैया का ये वाला अभी है खत्म हो गया? नहीं है, बंद कर देते हैं। ये क्या हुआ, निकल गया? लग जाएगा, इसको लगा दे। तो ये बन गया मेरा दवाई का पाउच, सारी चीजें मेरी ऑर्गेनाइज तरीके से बैग के अंदर रखी जा रही है, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। चलिए तो ये बैग का काम ये दवाइयों में रखो। चलो बैग तैयार है हमारे। नहीं है, मैं बहुत दो लाई हूँ, ये दो मंगाए मैंने, खोल जरा इसको, वही मत फाड़ देना। और कितने से बोल रही थी कि नहीं मिला नहीं मिला, बेल्ट नहीं है नहीं है, सारा दुपट्टा बेल्ट सब मिल गया। वो बेचारा अभी तक दुकान में ढूंढ रहा होगा। मैं ही रखी हूँ लेकिन मेरे को याद नहीं। हाँ तो बड़ा मजेदार बात करी है ना तूने कि तेरे को याद नहीं है, इसलिए बोल रहे ना एक चीज तुम चीजें ही गलत रख रहे हो तो फिर कैसे याद रहेगा। ये क्या है सब, खुल के नहीं रहा है ये, खोला नहीं। ये किसका चाय बन रहा है आपका? मेरा ना, अरे इतनी मजबूती थोड़ी मांगी थी, खुलेंगी। ये आप ये देख, कितना बड़ा बैग है।
वो बैकपैक रहने दो, बहुत अच्छे वाले मैंने मंगाए हैं। इसमें सारे मेरे जो नॉर्मल वाले सलवार कमीज है ना, हाँ। देख अंदर से कितना अच्छा है, वो सारे इधर ला आगे वाले रूम में, आगे वाले रूम में रखते हैं, ठीक है। तब तक मैं चाय पी लेती हूँ, दीदी इधर मेरी चाय बना रही है और यहाँ पे थोड़ा सा मैं खाऊंगी चिपड़ा। ये रख लो, ये रख लो, संभाल लो, ये मत खोलना। हाँ ये किसी और दोस्त की चीज में रख जाएगा ना। आज बैठ के अमिता के साथ अपने कपड़े जो सलवार कमीज है ना नॉर्मल वाले वो सारे लगवाऊंगी। सारी उबड़ खाबड़ चीजें हो गई हैं फिर, जो कि इतना ऑर्गेनाइज रखते हैं हम लोग, फिर भी उबड़ खाबड़ हो गई चीजें। चलो कैंटीन हट जा बेटा। हेलो जी, यहाँ पे मेरी चाय आ गई है जो दीदी ने भर के दी है इतनी सारी। दीदी थोड़ी चाय कम कर दो। और यहाँ पे अभी कपड़े रखे जा रहे हैं मेरे सारे। हाँ गंदा बच्चा। तो जी दोस्तों मैं आ गया हूँ घर पे, हालांकि बेबी मुझे बाहर ही मिल गई थी, उसके बाद इतनी तेज बारिश हो गई कि हम बाहर कुछ कर ही नहीं पाए, सीधा घर आ गया। और घर पे देखो आप जरा कैसी साए साए हवा चल रही है, सन सन साए साए। आवाज आ रही है ना, ये हवा की है ये। इधर अगर मैं खोल दूं ना इसको थोड़ा सा भी देखना, पूरी बवा। अरे बाप रे बाप, पंखा अपने आप चलने लग गया ऊपर, देखो हवा से इतना मजा आ रहा है ना। क्या तेज हवाएं चल रही है और इतनी तेज अभी बारिश हुई है ना। हम लोगों का मन था कि चाइनीज सूप पी के आए, लेकिन फिर सोचा चलो आज घर पे खाते हैं, क्योंकि अभी तो बारिशें हुई हुई है, अभी तो बहुत हमारे पास उम्मीदें बाकी है बारिशों की, है ना। ये देखो अब आई है, आई तुम्हारे पास, आई पैर कर लो। पापा याद आए, पापा की परी, पापा की परी बहुत ही बुरी। पापा का बेटू है ये, पापा का बेटू है। पापा मम्मी को टांग दे रहे बेटू, पापा का बेटू मम्मी को टांग दे रहे। मम्मी को पड़ कोई छंछा के आंसू कैसे निकल रहे हैं मेरे है। तुम्हारे आंसू है, छंछा के आंसू से निकल रहे हैं। तो मजा ही आ गया, मम्मा पापा की जो सैंडविच बन गई, तो उसको यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, इसका सैंडविच ही तो बनना है बीच में। इतना पाली का चार है, पूछ रही जबरदस्त तरीके से। अभी आ गया, अभी आ गया, आ गया। अरे बेबी इसने मेरे को घेरा है, देखना मेरे को कैसे घेरा इसने। अच्छा मम्मी की जगह नहीं मिली तो पापा की गोदी में। आज 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 पेटू पे थोड़ा तबला बजाते हैं, चलो। चेरू हमारा दिल्ली वाला डॉगी है, चेरू हमारा प्यारा वाला डॉगी। क्या है चेरू, ये हाला लगा दे। क्या है चेरी को एक डाल दो, कोको को क्या डालना है, ये है ना दवाई। नहीं दवाई नहीं, इनके लिए बैंड, लेकिन मुझे लगता है चेरी को लगाना जरूरी है बैंड की, कोको को लगाएं सर, कोको को लगा दें। यार कोको का ना, कोको का फिर ना चुन खाती है बैंड, और उसमें जहर है। ये तुमने कब देखा, कोको का खाती है वो, एक बार खा रही थी पागल, कुछ भी बोलते हैं। ये लगा कोको को, देखते हैं चेरी का, पहले दूंगी कोको को लगा। मुझे भी बज रहे हैं रात के 10:30 और संभावना अंदर कब की सोने चली गई थी, और अंदर बिजली कड़कने की और बारिश की आवाज आई ना, तो ये ऐसा भाग के मेरे पास आई है चुनचुन की मेरे को बचा ले, अभी तब से मेरे पास है, वापस अंदर गई। तो मैं इसको लेके अंदर जाता हूँ, सुलाता हूँ, मैं भी सोता हूँ, आप लोग को मिलते हैं कल। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज संभावना सीट एंटरटेनमेंट। चल चंचा फेरी अंदर है अमिता, चलो चलो अंदर चलने, चलो अंदर चलने, मामा पास बिजली कड़क।